वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी पांच बातें जो हमें आने वाली डॉग के एपिसोड में देखने को मिल सकती हैं। रॉ मतलब जो 3 दिसंबर को होगी, लेकिन हम वो देख सकते हैं सुबह 4 दिसंबर को। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिल सकती है और वो डोरली भी एडवर्टाइज कर रही है, और वो ये है कि कौन स्टॉप करेगा इस न्यू टीम को। जी हाँ, जैसे कि हम सबको पता है कि एक न्यू टीम बन चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और इसमें है ड्रू मैकइंटायर, बैरन कॉर्बिन और बॉबी लैशली। और हमने देखा कि पिछले रॉस के एपिसोड में ये 3 सुपरस्टार्स बहुत ही डोमिनेंस दिखा रहे हैं। पहले ब्रॉन स्ट्रोमन को इंजर्ड किया, उसके बाद वाली रॉ में फिन बेलर के ऊपर अटैक किया, और उसके बाद एलायस के ऊपर। तो मतलब इन शॉर्ट ये 3 सुपरस्टार्स पूरा डोमिनेंस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है ये देखना कि इस रॉ में क्या प्लान करती है इन 3 सुपरस्टार्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई, कि क्या हमें फिर से इस टीम की डोमिनेंस देखने को मिलेगी इस रॉ में, या फिर कोई एक सुपरस्टार इस टीम को स्टॉप करने आएगा, मतलब कोई सुपरस्टार इस टीम के अगेंस्ट खड़ेगा। तो ये पता चल जाएगा हमें इस रॉ में। तो बात करने वाले दूसरी बात के बारे में, तो जैसे कि सबको पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन पिछले रॉ में इंजर्ड हो चुके थे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली बता दिया था कि ब्रॉन स्ट्रोमन हो चुके हैं इंजर्ड और उन्हें करवानी पड़ेंगी सर्जरीज। पर लेकिन जो हमने लास्ट रॉ में देखा, उसे देखकर तो ये लग रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमन जल्द ही आने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, मतलब जल्द ही आने वाले हैं रॉ में। और यहाँ पर जिस तरह से ब्रॉन स्ट्रोमन ट्विटर पर ट्वीट्स कर रहे हैं कि बच के रहना, तो ये सब देखते हुए वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि शायद हमें ब्रॉन स्ट्रोमन की ओपिनियंस देखने को मिले इस रॉ में। जी हाँ, क्योंकि अगर ब्रॉन स्ट्रोमन ही नहीं आए तो रॉ को कौन लेकर जाएगा? इस बार तो रोमन रेंस भी नहीं है, जॉन सीना भी नहीं है, ब्रॉक लेजनर भी नहीं है। तो अगर ब्रॉन स्ट्रोमन भी चले गए तो कौन लेकर जाएगा रॉ को? तो मतलब इन शॉर्ट हमें ब्रॉन स्ट्रोमन की ओपिनियंस देखने को मिल सकती है इस रॉ में। तो बात करने वाले हैं तीसरी बात के बारे में, तो जैसे कि हम सबको पता है कि TLC में रोंडा रोजी वर्सेस नाया जैक्स का मैच कन्फर्म हो चुका है। तो यहाँ पर इस रॉ में हमें ये देखने को मिल सकता है कि हमें इन दोनों फीमेल सुपरस्टार्स का फेस ऑफ देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि अभी TLC को आने में भी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच की स्टोरी बहुत ही धीमी चलाई है। तो पॉसिबल हो जाता है कि हमें इस रॉ में कुछ बड़ी ब्रॉल या कुछ प्रोमो देखने को मिल सकता है नाया जैक्स और रोंडा रोजी के बीच, ताकि जो TLC में होने वाले मैच में हीट डले। यहाँ पर इसी के रिलेटेड एक मैच कन्फर्म कर दिया है, और ये है रोंडा रोजी नटालिया वर्सेज नाया जैक्स और टमीना के बीच। जी हाँ, हमें ये 4 फीमेल सुपरस्टार्स का टैग टीम मैच देखने को मिलेगा इस रॉ में। तो बात करने वाले हैं चौथी बात के बारे में, तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमें पिछली रॉ में डीन एम्ब्रोस की अपीयरेंस देखने को नहीं मिली थी, मतलब डीन एम्ब्रोस एज ए वीडियो टेप पर देखने को मिले थे हमें, पर डीन एम्ब्रोस खुद रॉ में नहीं आए थे। तो अब बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि क्या डीन एम्ब्रोस हमें देखने को मिलेंगे इस रॉ में? तो पिछली रॉ में डीन एम्ब्रोस ने एक तरह से एक वादा सा किया था कि मैं इस रॉ में तो नहीं आ सकता, लेकिन अगली रॉ में मैं जरूर आऊँगा और मैं सेथ रॉलिंस को सबक सिखाऊंगा। तो ये थे एग्जैक्ट वर्ड डीन एम्ब्रोस के, तो मतलब हमें डीन एम्ब्रोस की अपीयरेंस देखने को मिलेगी इस रॉ में, और सेथ रॉलिंस आते ही हैं रॉ में। तो मतलब हमें इन दो सुपरस्टार्स के बीच में बड़ी ब्रॉल देखने को मिल सकती है इस रॉ में, क्योंकि TLC में होने वाले मैच में भी बिल्डअप करना है, और ये एक तरह की रॉ की एक मेन स्टोरी लाइन है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टोरी लाइन को ही वीक दिखाएगी तो रॉ भी ऑटोमेटिकली वीक दिखेगी, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहेगी कि इस रॉ को दिखाया जाए वीक। तो इसलिए हमें कुछ बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है इस रॉ में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच। तो बात करने वाले हैं पाँचवीं बात के बारे में, जैसे कि हम सबको पता है कि अभी रॉ की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, मतलब जब से रोमन रेंस गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से तब से रॉ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ब्रॉक लेजनर हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन पर वो पार्ट टाइमर हैं, और अब ब्रॉन स्ट्रोमन भी इंजर्ड हो चुके हैं, तो यहाँ पर कौन संभालेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को? तो यहाँ पर पॉसिबली हमें किसी एक सुपरस्टार का रिटर्न देखने को मिल सकता है इस रॉ में। जी हाँ, और ये सुपरस्टार होगा एक हाई स्टार वाला सुपरस्टार, मतलब जिसको फैंस सपोर्ट करते हैं, और ये सुपरस्टार पॉसिबली NXT से भी हो सकता है। लेकिन अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी एक सुपरस्टार है जो मिसिंग है, और वो है कर्ट एंगल। तो कर्ट एंगल का रिटर्न इस रॉ में थोड़ा सा इंटरेस्ट तो डालेगा, और ये रिटर्न करवाना डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस रॉ को भी ना पसंद करने लग गए हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ इंटरेस्टिंग करना होगा ताकि उनके फैंस रॉ को देखें और व्यूअरशिप मिले। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन करेगा रिटर्न इस रॉ में। तो इसी आज की वीडियो अच्छी तो लाइक करें, और जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें।